नमस्कार, जो सिंधी देख रहे हैं सभी दर्शकों को, सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और वक्त चला है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक, और आज एक बहुत ही खास कहें अवसर है, हिंदी दिवस। जब हिंदी भाषा की एक बार फिर से चर्चा हो रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज के इस मंच पर से आप लोगों के साथ भी इसी विषय पर चर्चा हो जाए, इसी विषय पर आप सभी के साथ स्ट्रेट टॉक हो जाए। सो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हिंदी जो है वो अनुवाद की नहीं बल्कि एक संवाद की भाषा कही जाती है, बोलचाल की भाषा कही जाती है। किसी भी भाषा की तरह हिंदी भी एक मौलिक सोच की भाषा कही जाती है। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी साल 2017 में हिंदी दिवस के मौके पर जब ये भाषण दिया, तो विज्ञान भवन का सभागार उस वक्त तालियों से गूंज उठा था। और ये जो भाषा है वो हर तरह का भेद मिटाकर सिर्फ और सिर्फ लोगों को जोड़ती है। सो आप देखेंगे कि चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग संप्रदाय का हो, वो सिर्फ हिंदी से ही जुड़ा होता है। आजादी के कहीं 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि काफी विरोध के बाद इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट किया था। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा कहलाया जाता है। हिंदी का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता। हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न कहलाया जाता है। ये कहना था महात्मा गांधी जी का। आजादी से भी 3 दशक पहले ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हिंदी के उत्थान के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उनको कहीं ना कहीं यकीन था कि देश का विकास और उत्थान का सबसे बड़ा कारण है हिंदी भाषा। अलग-अलग लोगों को एक धागे में पिरोने का जरिया है हिंदी। भारत के सभी महान व्यक्तियों ने हिंदी भाषा के उत्थान की बात को स्वीकारा है। आजकल हम देखेंगे कि बड़े बड़े शहरों में अंग्रेजी भाषा के प्रकोप में जकड़े एक बड़े वर्ग में अपनी ही भाषा कहीं ना कहीं अपेक्षित मानी जाती है। हम दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करते हैं, मगर देश में हिंदी की इज्जत ना हो ये बर्दाश्त भी नहीं होता है। ये शब्द आचार्य विनोबा भावे के थे। सो हिंदी अब लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल भाषा बन गई है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है। एक समय था जब विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व होता था, लेकिन अब उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदी का बोलबाला है। ये हिंदी की अपनी ही शैली है, जिसे अब एक्सपर्ट्स हिंग्लिश यानी कि हिंदी और अंग्रेजी का मिक्सचर बताते हैं। तो सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कभी अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना जरूरी माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ साल में इस मानसिकता में कमी आई है। जिन लोगों को अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान नहीं, वो लोग अब हिंदी भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं, बेझिझक होकर करते हैं। हिंदी अब ग्लोबल भाषा बन चुकी है। हिंदी का ये जो स्वरूप है वो हमारा अपना है। सोशल मीडिया की हिंदी किसी नियम या फिर यूं कहें कि कायदे से नहीं बंधी है। हिंदी के इसी रूप को पसंद किया जाता है। आप देखेंगे कि कई ऐसे YouTube चैनल्स हैं जहां पर हिंदी सिखाई जाती है। इनमें कई विदेशी भी अब हिंदी सीख रहे हैं, और जब उनके मुख से हम हिंदी सुनते हैं तो एकाएक आश्चर्य भी हो जाते हैं। आलम यह है कि अब हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जिसमें छात्र ना सिर्फ हिंदी भाषा को सीखते हैं बल्कि अन्य विषयों की जानकारी भी हिंदी में ही प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं कि गूगल ने भी हिंदी का प्रभाव माना है। आज आप देखेंगे कि इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग करने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। गूगल ने भी इस प्रभाव को माना है, और गूगल के एक सर्वे के मुताबिक इंटरनेट पर हिंदी में सामग्री पढ़ने वालों की संख्या हर साल 94% बढ़ रही है, और इससे उलट अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले 17% प्रतिवर्ष कम हो रहे हैं। विश्व भर में हिंदी का बोलबाला है, क्योंकि हिंदी अब आज अपने तमाम प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए एक कहें जो एक वैश्विक स्वीकारता होती है, जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, वो पा रही है। सो दुनिया में इस वक्त 176 से भी ज्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर हिंदी को मुख्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, और यहां पर अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान इसकी जो भाषा है वो हिंदी है। और इनमें अकेले अमेरिका के 32 ऐसे यूनिवर्सिटीज और शिक्षण संस्थान हैं, और इसके अलावा ब्रिटेन की लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज और यॉर्क यूनिवर्सिटी में भी
हिंदी पढ़ाई जाती है। जर्मनी देखेंगे तो वहां पर भी 15 शिक्षण संस्थान हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन को अपनाते हैं। विश्व की दूसरी भाषा बन जाएगी हिंदी। विश्व में देखिए, यदि हिंदी इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो जल्द ही हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा बन जाएगी। भाषाओं का इतिहास रखने वाली संस्था एथनोलॉग के मुताबिक चीनी और अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। विश्व आर्थिक मंच की गणना के मुताबिक विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में हिंदी को रखा गया है और इसके अलावा अमेरिका में बोली जाने वाली शीर्ष 10 भाषाओं में हिंदी शामिल है। चौथा एक कारण है कि अमेरिका में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 6.5 लाख है। लैंग्वेज यूज इन यूनाइटेड स्टेट्स 2011 रिपोर्ट कहती है कि हिंदी अमेरिका में बोली जाने वाली टॉप 10 भाषाओं में शामिल है और अमेरिकी कम्युनिटी सर्वे के मुताबिक अमेरिका में हिंदी 100% से अधिक तेज रफ्तार से बढ़ रही है। पांचवा कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सातवीं भाषा बनने की अभी कोशिश हो रही है, क्योंकि आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता दिलाने के लिए इसे अभी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि 2018 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सातवीं आधिकारिक भाषा बनाने के लिए 193 सदस्य देशों में से 2/3 यानी कि 169 सदस्य देशों के समर्थन की आवश्यकता आज है। सो आज जब बात हम बहुत ही खास अवसर की, इस खास विषय की कर रहे हैं, सो हम चाहेंगे कि इस वक्त हमारे साथ जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बने और आज हिंदी दिवस पर अपने विचार, अपना ओपिनियन जो है हमारे साथ जरूर साझा करें। कुछ सवाल है जो हमारे इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर वो देख ही चुके हैं, एक बार फिर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो सवाल छोड़ेंगे ताकि आप उन सवालों को अच्छे से समझ सकें और उसके बाद अपनी राय, अपना ओपिनियन जो है हमारे साथ इस फोन कॉल के माध्यम से साझा कर सकें। सवाल ये है कि विश्व भाषा की ओर बढ़ते हिंदी के कदम पर आपके विचार क्या है। सवाल यह भी है कि अपनी हिंदी भाषा को अपना कितना मानते हैं आप। देखिए, ये सवाल जो है वो मैं इसका जो जवाब है, इस पर जो आपका एक पर्सपेक्टिव है वो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि हिंदी भाषा, जब भी हिंदी दिवस की बात आती है, हम हिंदी भाषा का कहीं बड़ा ही बखान करते हैं, हम इस पर बात भी करते हैं, लेकिन सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है कि इस हिंदी भाषा को हम अपना आखिर कितना मानते हैं। सवाल यह है कि क्या हिंदी के प्रति देश विदेश में आपको भी लगता है कि रुख बदला है, क्योंकि अभी तक हमने जो स्टडी सामने आए, जो सर्विसेज सामने आए, जो आंकड़े सामने आए वो आपके सामने रखे, लेकिन आपको क्या लगता है कि देश विदेश में इसका रुख जो है वो कितना बदला है। सवाल यह है कि अक्सर हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं, समटाइम वो क्यों इस हीन भावना को महसूस करते हैं। सवाल ये भी है कि अंग्रेजी बोलने से मान तो बढ़ेगा लेकिन हिंदी से क्यों नहीं बढ़ेगा। ऐसा बहुत से लोगों का मानना है, हम तो कहेंगे कि भारत में हम रहते हैं और ऐसे में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे हमें जो अंग्रेजी बोलकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, बल्कि हिंदी बोलने में उन्हें हिचकिचाहट होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदी बोलेंगे तो ऐसे में उनका जो मान सम्मान है वो कम हो जाएगा। सो ये जो सवाल है, इससे क्योंकि ये सवाल इसीलिए हमने आपके मन से लेकर आए क्योंकि भारत में इसको लेकर एक बहुत ही भ्रामक धारणाएं बनी हुई हैं और उन भ्रामक धारणाओं को तोड़ने की जरूरत है, तभी तो जो ऐसे अवसर होते हैं, जो ऐसे दिवस होते हैं, खासकर हिंदी दिवस जैसा जो खास अवसर है, उसकी जो एक सार्थकता है वो मानी जा सकती है। तो ये वो तमाम सवाल जो सिर्फ हमारे दर्शकों के लिए, और हम चाहेंगे कि वो आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और हाँ, एक अपील है कि हम यूजुअली देखते हैं कि प्रोग्राम के बेहद अंत में हमारे साथ कॉलर जुड़ने की कोशिश करते हैं, समय रहते कुछों के साथ बात हो जाती है, लेकिन समय की कमी की वजह से हम कुछ कॉलर्स का जो है फोन वो पिक नहीं कर पाते हैं। सो उसके लिए हम अक्सर खेद भी जताते हैं, तो ये हम खेद ना जताएं, इसलिए हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के इन बिटवीन आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी बात रखें, तफसील से बात रखेंगे तो तफसील से हम भी आपको सुन सकेंगे। सो ये वो सवाल थे जो अपने दर्शकों के लिए हम लेकर आए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान आज के इस विषय पर हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, जो इस पर अपना पर्सपेक्टिव रखेंगी और हिंदी भाषा को लेकर जो है वो अपने विचार, अपने जो ओपिनियन है हमारे साथ साझा करेंगे। सो छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा जॉस इंडी के साथ।
विश्व ने समझी है हिंदी की ताकत, अब हम भी समझें इसकी ताकत। आप सभी का एक बार फिर से प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में स्वागत करते हैं और हिंदी दिवस के इस खास अवसर पर इस विषय पर आज ये टॉपिक हम लेकर आए हैं, इस विषय को हम लेकर आए हैं इस मंच पर से। भारतेंदु जी ने कभी बड़ी गहराई से उतरकर लिखा था कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, पै निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। अनडाउटेडली निसंदेह किसी भी राष्ट्र के विकास की बुनियाद उसकी निजी भाषा की संपन्नता में ही निहित होती है। हमारे आज के इस बेहद खास विषय पर बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर राजवंती मान। शी इज अ वेल नोन पोएट, शी इज अ राइटर एंड अ रिसर्चर। शी हैज ऑथर 10 books, मोर देन 10 books एंड मोर देन 30 papers, एंड शी राइट्स इन हिंदी, उर्दू एंड इन इंग्लिश एज वेल। सबसे पहले राजवंती मान जी का हम स्वागत करेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में, उनके साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है राजवंती मान जी प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में, जस्ट हिंदी में आपका हम वेलकम करते हैं। हिंदी दिवस की आपको शुभकामनाएं। तो बड़ा ही खास एक अवसर और हिंदी दिवस, हिंदी भाषा का एक बार फिर से हम इस पर चर्चाएं छिड़ चुकी हैं और एक बड़ा ही मूल सा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि भाषा तो हमारी है लेकिन इस भाषा को हम अपना आखिर में समझेंगे कब। अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें और आजकल तक सामाजिक तौर पर भी देखें, इसमें बहुत सी ऐसी कहें इस भाषा को इस्तेमाल करने में हम देखते हैं कि लोगों में हीन भावना भी एक महसूस की जाती है। तो सिचुएशन जो है वो इस हिंदी भाषा को लेकर भारत में काफी बदली है, लेकिन विश्व भर की अगर बात राजवंती जी करें तो ये उतना ही इसका जो प्रसार है, इसका जो विस्तार है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। मेरा तो पहला आपसे यही एक सवाल है जिस पर मैं आपका एक कमेंट लेना चाहूंगी कि विश्व ने हिंदी की ताकत को समझा है लेकिन भारत में इसकी ताकत को हम कब समझेंगे? एक और आपको आपने ये प्री चर्चा रखी है, दरअसल हिंदी एक भाषा की बजाय हम ये मानेंगे ये हमारी अस्मिता की पहचान, और अगर अस्मिता से अगर हम इनकार कर भी दें, और ये रहा भी है क्योंकि जब ये सितंबर 1949 में जब ये आधिकारिक भाषा बनी और इसको राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव था तो भी एक उठी थी कि इसको आधिकारिक तो बना दिया लेकिन राष्ट्रीय नहीं बना, उसमें भी तभी एक राजवंती जी आप जी स्थिति में रहते हैं कि अंग्रेजी बोलते हैं तो हम बहुत सुपीरियर हैं या हम बहुत बहुत विद्वान हैं या हम एक हम हमारा स्तर जो है वो ऊंचा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। विश्व स्तर पे देख रहे हैं कि हिंदी का कितना विस्तार हो रहा है, चाहे वो बाजारीकरण हो, चाहे वो अनुवाद का क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में इसकी इन्वॉल्वमेंट हो। कंप्यूटर पे आप कुछ भी बोलिए वो हिंदी में टाइप कर देता है जी। तो ये इसकी हिंदी की ताकत ही है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि ये हिंदी कोई ऐसी रीजनल भाषा नहीं है कि हम इसको हम यहाँ पंजाब में रहते हैं तो ये हमारी है। ये हमारी ऐतिहासिक रूप से हमें जोड़ती है, जोड़ने वाली भाषा है, और इनकी वजह यही थी कि ये एक एक कनेक्टिंग एक संपर्क की भाषा बनती थी। कोई घटना लाहौर में होती थी और कलकत्ता में हिंदी में उस पे लिखा जाता था तो ये ताकत की वजह से ही हिंदी को स्थान दिया गया था। एब्सोल्युटली मैंने जिस पे काम किया है उसमें यही है कि भगत सिंह को फांसी दी जाती है लाहौर में, उन पे लिखा जाता है कलकत्ता में, गया में, जबलपुर में, कानपुर में, बनारस में, लाहौर पंजाब से लेकर, तो पूरा देश को एक तरह से जोड़ दिया। कोई अब आजकल कितना ही बड़ा राइटर है अंग्रेजी में भी लिखता है तो वो चाहता है कि मेरी हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, तो ये इसकी हिंदी की ताकत।
हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे आपकी हर बात से अग्री करती हूँ। लेकिन वही ना, विश्व स्तर पर इसका विस्तार जितना बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि भारत में उतना ही इसका विस्तार जो है वो कम हो रहा है। ये एक बड़ा आम सा सवाल है, क्योंकि हम देखते हैं कि पार्लियामेंट हो, चाहे राजनीति की बात भी हो, चाहे एंटरटेनमेंट जगत की बात हो, और अब तो सामाजिक तौर पर भी लोग अंग्रेजी में वार्तालाप करते हैं। बजट पास होता है, अंग्रेजी में भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिटिकल लीडर्स भी जब मीडिया कॉन्फ्रेंसेस में कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होता है। मनोरंजन जगत की बात करें तो वहां पर भी अंग्रेजी का ही बोलबाला है। सामाजिक तौर पर भी हम देखते हैं कि आम लोग, जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं वो लोग सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ, लेकिन जो हिंदी बोलते हैं उन्हें बड़ी ही हीन भावना से देखा जाता है। राजवंती जी, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, लेकिन ये जो सवाल है मेरा, वो भारत में हिंदी भाषा के साथ जो जुड़ी जो भ्रामक धारणाएं हैं जिनको हम अपनाए हुए हैं, और उसकी वजह से हिंदी की यहां पर ये स्थिति हो गई है, मैं उस पर आपका जो है कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में, और विश्व ने समझी हिंदी की ताकत, हम भी कब समझेंगे। सो ब्रेक में जाने से पहले हम एक सवाल कर रहे थे कि ये बहुसंख्यक हिंदी भाषा है, लेकिन इसको लेकर इतनी एक मिसकंसेप्शंस जो हैं वो इस वक्त क्यों बनी हुई हैं, इस भाषा को लेकर क्यों बनी हुई हैं, वो भी तब जब ज्यादातर इसी भाषा का इस्तेमाल जो है वो हम करते भी हैं आम बोलचाल में, जो ज्यादा समझी जाने वाली, ज्यादा बोली जाने वाली है। डॉक्टर राजवंती मान जी जो ऑथर हैं और रिसर्चर हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर से मैम आपका स्वागत करेंगे हम प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। राजवंती जी, हम जब भाषा की गुलामी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि भाषा की गुलामी जो है वो बाकी तमाम गुलामियों में सबसे बड़ी होती है। दुनिया में जो भी देश परतंत्रता से मुक्त हुए, उन्होंने सबसे पहला काम जो है वो अपने सिर से भाषाई गुलामी का जो एक गठर था, एक जो कहें एक गठरी बंधी हुई थी, उसी को उतार फेंकने का काम किया। इसमें हम देखते हैं कि ये जो काम है वो रूस में लेनिन ने किया, फिर हम देखते हैं कि तुर्की में ये कमाल पाशा ने किया था, इंडोनेशिया में हम देखते हैं कि सुकर्णो ने किया, एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देशों के दर्जनों छोटे बड़े देशों ने भी किया। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जैसा हम कभी, अब इसे ये भाषाई पाखंड कहना सही रहेगा या नहीं रहेगा वो आप समझाइएगा हमें, लेकिन वैसा कहीं और ये देखने को सुनने में नहीं मिलता जितना भाषाई पाखंड जो है वो यहां पर देखने को मिलता है। आप इस बात से सहमत हैं? यदि मैं गलत हूं तो प्लीज आप उसे भी थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा। हम बोलते ही नहीं हमें गुलामी, हम लादते ही नहीं है, वो एक हमारी जहनियत पर बसी हुई गुलामी से निजात नहीं पाते हैं, और इसलिए हम की अपनी अपनी जो एक स्वदेश की पहचान होती है उसको हम स्वीकार नहीं करते। और ये कारण था कि हिंदी जब सामने आई थी तो हिंदी हिंदुस्तान की पहचान जी, हिंदी हमारे मुक्ति आंदोलन की मैं स्वदेशी की भाषा बन के, स्वदेशी का एक संपर्क बन के उठी थी, और हमने आज तक उसको छोड़ा नहीं। अब 1953 से लेके और आज तक 70 साल हो गए, इस भाषा को भी आधिकारिक रूप मिले, हम तब भी वही खड़े हैं कि आज भी हम भाषा को बहुत सम्मान नहीं दे रहे, जबकि हिंदी भाषा के पास ये भी अपनी बहुत अच्छी है, व्याकरण उसका समृद्ध है, उसकी संस्कृति बहुत समृद्ध है, और उसमें भाषा राष्ट्रीय भाषा होने के सारे गुण हैं। फिर हम क्यों अपने जबरदस्त जोड़े, मुझे तो लगता है कि आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आप अंग्रेजी में समृद्ध है तो आप हिंदी में भी समृद्ध होंगे, और हिंदी में समृद्ध है तो ही आप अंग्रेजी में भी, ये भाषाओं में आपस में कोई पैर नहीं होता, ये तो ये देश इतना हमारा बड़ा है, उसमें अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, अलग अलग तरह की धर्म हैं। जी जी जी। तो लेकिन हमने इसको इस हिसाब से कर दिया है, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि हिंदुस्तान की भाषा जो है, हिंदुस्तान वो हिंदी से ही पहचान हो। बिल्कुल। अगर हम
और भाषा में सांस्कृतिक क्षेत्रीय भाषा को लेते हैं तो वो हिंदुस्तान की पहचान बनना शायद उसके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए हमें एक राष्ट्रीय अस्मिता की तरह हिंदी को स्वीकार करना होगा, और ये तभी होगा जब हम हिंदी में बोलने में अपना गौरव समझे, हम ये करें कि हम हिंदी बोल रहे हैं तो हमारी रीढ़ जो है वो तनी रहती है। समझने की, हाँ बिल्कुल वही जो आज हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि हिंदी की जो एक ताकत है विश्व भर में लेकिन भारत में, क्यों नहीं से समझने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखी है राजवती जी। कुछ कॉलर्स भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे थे। जितेंद्र वालिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। इसके बारे में 75 ईयर हो गए इंडिया के आजाद हुए, किसी ने सीरियसली इसके बारे में सोचा नहीं है इंडिया में खासतौर पे। देखिए, पहली बात मैं कह रहा हूँ, आपके जो गेस्ट है ना उनकी ऑडियो जो है जी अक्सर बहुत खराब आती है, कड़कड़ की आवाज आती है, उनकी आवाज क्लियर सुनाई नहीं देती आप गेस्ट की। ज्यादातर जैसे आपकी आवाज क्लियर आ रही है उनकी आवाज नहीं क्लियर आती। अच्छा, ये इस जोड़ के आते हैं सर, वो ऐसा है कि कई बार होता है कि जो हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ते हैं उनके एंड पे भी कई बार नेटवर्क की कुछ दिक्कत होती है, तो इस वजह से कुछ ग्लिचेस आते हैं, तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे सर। हाँ जी, कोई बात जी। हाँ जी, जिस सब्जेक्ट भी आते हैं जो हिंदी के लिए बहुत बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए, साउथ इंडिया में टोटली बिल्कुल हिंदी तो नजदीक आने नहीं देते, हिंदी का पार्ट है। अच्छा देखो, बाकी कंट्री देखो, जर्मन है, फ्रांस है, वो अपनी लैंग्वेज जर्मन प्रेफर करते हैं, फ्रांस वाले फ्रेंच बोलते हैं, ना कोई इंग्लिश कोई बोलता है ना कुछ, अपनी लैंग्वेज से प्यार उनका। चाइना भी अगर हम बात करें तो चाइना तो बिल्कुल टोटली उनका है ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर हमारे हमारे लीडर जाते हैं ना बाहर, जैसे कॉन्फ्रेंस, जैसे यूएनओ में स्पीच देनी है, किसी में स्पीच देनी है, चाइना के लीडर होगा वो अपनी चाइना में स्पीच देगा, ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट कर रहा है। हमने भी ये खुद से ये पहला स्टेप, हमें लीडरों को कह चाहिए कि अपनी लैंग्वेज हिंदी में वो स्पीच दें, उसकी ट्रांसलेट हर लैंग्वेज ट्रांसलेट होती है, हर आदमी समझ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग स्टेप अपने ऊपर वाले वालों को भी लेना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात जो है, यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल इतने खुल गए हैं, इतने खुल गए हैं, मेजोरिटी जो फैमिली है वो प्रेफर करती है कि हमारे बच्चे जो है वो कॉन्वेंट में पढ़े, आईसीएसई पार्टनर हो, उनको हिंदी नहीं है, कॉन्वेंट स्कूल में हिंदी को नो, डोंट केयर अबाउट हिंदी। अच्छा, ये जो पढ़ के निकलेंगे वो इंग्लिश पढ़ के निकलेंगे। अच्छा, वो जो बच्चे यंग बच्चे आ रहे हैं, आपका उनका भविष्य देखो, वो आप जो हिंदी की धार्मिक पुस्तकें हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। ये पुस्तकें आप दिखा रहे हैं बार बार, इनको पढ़ने वाला भी चाहिए नहीं है, एक्चुअल में नहीं है वालिया जी। हाँ, मैं तो कहूंगी है ही नहीं, बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पाते। राइट, जो इंग्लिश नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? जो ऊपर वाले बैठे हैं सही है, सीरियसली उनको ये सोचना चाहिए। साउथ इंडिया भी उनको भी चाहिए कि हिंदी को भी लैंग्वेज में, साउथ इंडिया तो टोटली बिल्कुल हिंदी नहीं बोलते। राइट राइट, तो सब लैंग्वेज की होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए सब लैंग्वेज की, लेकिन हिंदी को मेन लैंग्वेज थ्रू आउट इंडिया, अगर इंडिया को अपना सबसे बड़ा कंट्री बनाना चाहते हैं तो हिंदी मेन लैंग्वेज कंपल्सरी होनी चाहिए सब स्टेट्स में। थैंक यू सो मच सर, अपने बहुत अच्छे विचार और रियलिटी जो है, दिस इज द रियलिटी जो आपने हमारे साथ शेयर की है। राजवंती जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ और भी कॉलर हमसे जुड़ रहे थे, मैं चाहूंगी सतीश चंद्र जी हमसे जुड़ रहे थे। सर, आप कांटेक्ट कीजिएगा हमें, जरूर हम आपको भी आज के इस विषय पर सुनना चाहेंगे। डॉक्टर राजवंती जी, ये एक सच है, आज हम देखते हैं कि मनोरंजन जगत में भी हम अंग्रेजी का बोलबाला, और छोटे छोटे बच्चों को आज हम देखते हैं तो वो तो हिंदी पढ़ ही नहीं पाते हैं, अंग्रेजी जितना अच्छा बोल लेते हैं, मैथ्स जितना अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हिंदी में भी उतना ही ज्यादा। क्या कारण कहा जाए? यही वजह है कि कॉन्वेंट ज्यादा हो रहे हैं, अंग्रेजी को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। मुझे लगता है प्राथमिकता ये हमें एज पेरेंट्स भी बच्चों के मामले में तो हमें ये कहना चाहिए जी, जरूरी बात यह है कि घर में जो आप है, एक होती है हमारे प्रोफेशन की भाषा, एक होती है हमारी जरूरत की भाषा, एक पैशन की बात। अगर हिंदी हमारी भारत की भाषा या अपनी भाषा के तौर पर हम बच्चों को सिखाएंगे तो वो जरूर पढ़ेंगे। बिल्कुल सही, जरूरी है कि एक घर में ऐसा माहौल हो कि हम हिंदुस्तान के हैं तो हमारी हिंदी, हम इससे जुड़े रहे, ये हमारी अस्मिता में इज्जत है। मुझे एक
अभी आप बात कर रही थी तो मुझे वो गदरी बाबा वाली घटना याद होती थी जिसको काम तक नहीं मिला था वहां, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में बात करके ये सोचा होगा कि हमें यहाँ कुछ काम करने को मिल जाएगा, और उन्होंने नजरअंदाज इसलिए कर दिया था कि हिंदुस्तान को आजाद क्या करोगे जब तुम अपनी हिंदी को अभी तक अपना नहीं रहे हो, यहाँ टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हो, तो हिंदी हो तो हिंदुस्तान से हो तो हिंदी में बात करो। बिल्कुल सही। एक और कॉलर, हाँ राजनीति जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैं इसे जरूर सुनूंगी। एक और कॉलर है, जरा उन्हें सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। जी सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार गीत जी, डॉक्टर राजवंती जी के विचार बड़े अच्छे हैं, लेकिन समस्या सिर्फ एक आ रही है कि उनकी तरफ से ऑडियो जो डेफिशिएंसी बहुत है, वो जो बोल रही हैं वो हमें उनकी बात बहुत कम सुनाई दे रही है जी। तो मैं जो कुछ भी कहूंगा, अगर डॉक्टर राजवंती जी अगर आपने वो विचार पहले से कह दिए हैं तो मेरी गुस्ताखी की माफी मैं आपसे पहले मांग लेता हूँ, क्योंकि आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही जी ठीक से। गीत जी, सवाल आपका बार बार एक आ रहा है कि हिंदी का जो सम्मान है विदेशों में तो बहुत बढ़ रहा है, अमेरिका में तो वारे न्यारे हो रहे हैं, लेकिन अपने भारत में उसका सम्मान जो है वो कम होता जा रहा है, वहां पे रेजिस्टेंस क्यों है भारत में? देखिए 72 में मेरा बेंगलोर जाना हुआ और उधर तमिलनाडु की तरफ, सुबह सुबह जिस वक्त मैं ब्रेकफास्ट करने एक रेस्टोरेंट पे गया तो मैंने कहा भी मैं इसको कैसे कहूं कि मेरे को क्या चाहिए, तो सबसे पहले मैं उसको बोला, मैंने कहा वणक्कम स्वामी, तमिल थोड़ा थोड़ा हिंदी ओके, ही इमीडिएटली अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू से, तो उसने कहा हिंदी ओके, हिंदी चलेगा। अच्छा। और उसके बाद जी मैंने उससे हिंदी में बात की, उसने हिंदी में समझा, उसके साथ मेरा हिंदी में 3-4 दिन जैसा भी व्यापार था वो होता रहा। तो उसने मेरे को बोला कि आप पोस्ट ऑफिस में जाओ, कहीं भी जाओ, यहाँ पे कहता है सबसे पहले जाके इसी तरह बोल दो वणक्कम स्वामी, कहते जब आप नमस्कार एक दफा अगले को कर देते हो, अगले की संस्कृति को एक मिनट में आप स्वीकार कर लेते हो, उसके बाद आप अपनी भाषा बोलिए तो वो भी आपको स्वीकार कर लेगा। गीति, आज हमारा भारत जो है ना ये भाषाओं का एक परिवार है, उस परिवार में हिंदी सबसे बड़ी बहन है, हम हिंदी प्रेमी हैं, हम हिंदी भाषी हैं। मैं अमृतसर का हूं, मैं पंजाब का हूं, मुझे इस एक सुख दिखा हिंदी बोलने का, हिंदी बोलने वाले जो थे वो हम उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी में भी खूब समा जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि हम हिंदी हैं कि हम उर्दू बोलने वाले हैं। और इसी तरह मैंने देखा कि ऊपर कश्मीर वगैरह में जाते थे या दूसरे प्रांतों में जाते थे तो हिंदी का सुख रहता था। बात आई यहाँ की, यहाँ मेरे से किसी ने एक दफा बात की, मैं अब शिकागो से बोल रहा हूँ जी डॉक्टर राजवंती जी, यहाँ मेरे से कोई 20-30 साल पहले किसी ने कहा कि 1977 में एक आपके इंडिया से एक जेंटलमैन आए थे डॉक्टर एटेल, वो अटल ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाए, उस वक्त डॉक्टर अपना हमारे जो अटल जी थे उन्होंने 1977 में यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में स्पीच दी थी, वो इतना सम्मान बढ़ा उसका हिंदी से, लोगों को एक ही चीज एसोसिएट की सारी दुनिया के लोगों ने कि एक ये भोला भाला आदमी है, इसके कितने सुंदर विचार हैं और कितने प्यार से ये बोलता है, और जो ये बोलता है वो हिंदी में बोलता था, तो लोगों ने उस आदमी की शराफत को और हिंदी को, इन दो चीजों को एसोसिएट कर लिया। आज देखिए दुनिया में 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। अब आप कहेंगे इसकी क्या वैल्यू है, ये 175 में हुआ तो हुआ, क्या हुआ कि जी 20 साल पहले जब मेरा सन यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर में था तो डीन ने उसको बुला के बोला कि आपने फॉरेन लैंग्वेज अभी तक क्लियर नहीं की, फॉरेन लैंग्वेज क्लियर के बिना आपको मेडिकल की डिग्री नहीं मिलेगी। उसने कहा जी अब सिर्फ 60 दिन रह गए तो लैंग्वेज क्लियर करने में टाइम लगेगा। जी आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने, उसने कहा मेरे को हिंदी आती है, उसको यहाँ की शिकागो में 7 यूनिवर्सिटीज है, उसको यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भेजा गया जहां पे उसने हिंदी में जब जाके बात शुरू की प्रोफेसर से, प्रोफेसर वाज सो इम्प्रेस्ड, इन 30 मिनट्स उसने मेरे बेटे को बोला यू ऑलरेडी पैस्ड इन माई टेस्ट, आई डोंट हैव टू गिव यू एनी फर्दर एग्जामिनेशन, यू हैव क्लियर्ड इट एंड आई विल गिव यू द ग्रेड। तो कहां
अंग्रेजी हिंदी का ज्ञान कहाँ काम आ जाए। अंत में मैं यही कहूंगा, हमें भारत में यही सिखाया गया था, हिंदी जो है उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, उसका मौलिक महत्व क्या है। लेकिन आज की दुनिया में हमने हिंदो अमेरिका में बैठ के पिछले 40 सालों में ये देखा है, आज हिंदी का व्यवहारिक महत्व बढ़ गया है, बिजनेस वैल्यू बढ़ गई है, कमर्शियल वैल्यू बढ़ गई है। इसमें हिंदुस्तानियों का योगदान कम है, बाहर के लोगों का ज्यादा है, उन्होंने ज्यादा स्पीड से हिंदी को एडॉप्ट किया है। आज शिकागो में 14 जगहों पे जूम कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं हिंदी सेलिब्रेशन की, और उसमें हमारे साथ स्पीकर जो है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं, लेकिन शिकागो से हम उनको जूम पे हिंदी प्रोग्राम उनके हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये है पॉपुलैरिटी हिंदी की विदेशों में। धन्यवाद कीजिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपने विचार बहुत अच्छे रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में, जुड़े रहिएगा आप भी हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज बात हिंदी दिवस की, और सवाल सिर्फ हिंदी का नहीं बल्कि समूची भारतीय भाषाओं के एक स्वाभिमान और उसका सम्मान का भी हो सकता है। शायद हम गलत हो सकते हैं कि जितनी अवमानना यहाँ पर होती है शायद दुनिया के ही किसी कोने में होती होगी, क्योंकि संविधान में भी हिंदी को राजभाषा बनाया गया था और कहा गया था कि धीरे धीरे सरकारी कामकाज से अंग्रेजी को हटाया जाए। लेकिन संविधान को लागू हुए देखिए इतना वक्त हो चुका है, इतने दशकों बीत चुके हैं, मगर इस दौरान आज हम देखते हैं कि किसी भी सरकार ने संविधान के अकॉर्डिंगली अंग्रेजी की जगह हिंदी को स्थापित करने की दिशा में कोई ठोस प्रयास जो है वो नहीं किए हैं। नतीजा ये हुआ है कि विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका भी हो, उसके साथ साथ लोक जीवन के हर फील्ड में अंग्रेजी का आज रुतबा सिर्फ बढ़ता हुआ नजर आता है। डॉक्टर राजवंती जी, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करेंगे। मैं ये जो क्वेश्चन मैंने किया है उस पर मैं आपके विचार जानूंगी। कॉलर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका विचार जल्दी से हम सुन लेते हैं। जी आलूवालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रीट टॉक में। शुक्रिया जी। देखिए, मैं हिंदी के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं जो कहूँगा वो भारत के हित में कहूँगा। हमारे संविधान में ये हिंदी की प्रमोशन के लिए लिखा गया है, एक कमीशन बनाने के लिए कहा गया कि कमीशन जो है वो अपनी रिकमेंडेशन दे, और वो रिकमेंडेशन जो है एक 30 मेंबरीय कमेटी वो कंसीडर करेगी और फॉरवर्ड करेगी गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ, ये सरकार की कमजोरी है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक संविधान में ये भी है कि कुछ भी हो, जो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, लैंग्वेज शैल बी इंग्लिश। अब देखिए, मुझे यहाँ पे आते हुए बहुत अरसा हो गया, मुझे हिंदी और इंग्लिश में गड़बड़ हो जाती है, तो मैं इसको कहूंगा इंग्लिश, कि अब हम इंग्लिश अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे वी आर इवॉल्विंग, हमें पीछे नहीं जाना, आगे जाना है। अब हिंदुस्तान की जहाँ बात की जाए तो वहाँ मुझे जो नक्शा दिख रहा है वो गुजरात को भी उन्होंने हिंदी एरिया डिक्लेयर कर दिया, जबकि वो गुजराती है। तो हिंदी जो है वो मध्य प्रदेश और अप टू बिहार तक है, बाकी सब प्रदेशों में अपनी अपनी लैंग्वेज है। हमें सब भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी प्रमोशन करनी चाहिए। अब आपने जिक्र किया था दूसरी कंट्रियों का, अब देखिए साउथ अफ्रीका एक छोटी सी कंट्री है हिंदुस्तान के मुकाबले में, वहाँ 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, स्विट्जरलैंड में 4 हैं, सिंगापुर में 4 हैं, चाइना में जबरदस्ती उन्होंने मैंड्रिन कर दिया है, कैंटोनीज भी है, सब कुछ है, लेकिन वो जबरदस्ती उन्होंने मैंड्रिन कर दी। अब यहाँ जो दिक्कत आती है कि हमारी पॉपुलेशन जो है हिंदी बेल्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन आंकड़े हमारे पास 2011 के हैं, 2021 के नहीं है, हम लोग 10 साल पीछे हैं सर्वे में। तो हमें जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो बतलाएगा कि इसमें भी फर्क है। आप हिंदी बेल्ट को छोड़ के बाकी सारी बेल्ट ले लें तो पॉपुलेशन हिंदी बेल्ट के बराबर आ जाती है तकरीबन। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो लीडर हैं या हमारे जो लोग हैं जो ज्यादातर जोर देते हैं हिंदी पे, इस बात पे ध्यान रखें कि हिंदी की प्रमोशन होती है फिल्मों से, एडवर्टाइजमेंट से। आप देखेंगे हमारी फिल्में एडवर्टाइजमेंट हिंदी में आती है, वो सदन के लोग भी
बहुत पसंद करते हैं, हमें इनको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि इम्पोज करें, इम्पोज करोगे तो मुखालफत होगी। हाँ, लेकिन वही हो रहा है, सिचुएशन आज यही है जिसकी बात अभी आपने एंड में किया। थैंक यू सो मच आलूवालिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। राजमंत्री जी, थोड़ा सा समय कम है, लेकिन ये जो सवाल मैंने आपसे किया था ना कि लोक जीवन में हर क्षेत्र में अंग्रेजी का रुद्दा बढ़ गया है, इसे किस तरीके से अब ठीक किया जा सकता है, लोगों को किस तरीके से समझा जा सकता है हिंदी की वैल्यू आखिर क्या है, इसमें हीन भावना आप ना महसूस करिए, क्या कुछ किया जा सकता है, थोड़ा सा संक्षिप्त में सिर्फ अपना उत्तर दीजिएगा। मैं इसमें कहना चाहती हूँ, ये हम पता नहीं हिंदी को हीन भावना कहाँ से क्या उपस्थिति है। मैं हिंदी मेरी भाषा है, मैं पंजाबी बोलना पसंद करती हूँ, मैं अंग्रेजी वाली, मैं अंग्रेजी, लेकिन हीन भावना कैसे आ रही है लोगों में। हीन भावना वही लोग कर रहे हैं कि या तो वो हिंदी को अपना नहीं मानते, हमें हिंदी को अपना मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारी पहचान है, हमारा गौरव है, हमारी शान है, सांस्कृतिक विरासत हिंदी में हमारी भरी पड़ी है, हमें उसे स्वीकार करना होगा। इसका मतलब आप एक अंग्रेजी बोल के क्या क्या नजरअंदाज करेंगे, ये हमारे अध्यात्म की भाषा है, ये हमारे रिलीजियस प्रतीकों की, सांस्कृतिक प्रतीकों की भाषा है। तो हम इसे अगर हम राष्ट्रीयता की भावना रखते हैं तो हमें हिंदी को भी स्वीकार करना ही चाहिए। हिंदी हमारा गौरव है, कोई भाषा नहीं है, ये हमारा एक प्रतीक है और हमें इस प्रतीक को संजोना ही पड़ेगा। अगर हम हिंदुस्तान से हैं, आप हिंदी हैं, तो हिंदी में बोलने में आप हीन कैसे महसूस कर सकते हैं। राजमंत्री जी, मैं यहाँ पे शुक्रिया करना चाहूंगी राजमंत्री जी का, उन्होंने बहुत अच्छी बातें जो है हमारे साथ शेयर की हैं। लेकिन राजमंत्री जी, मैं प्रोग्राम को क्योंकि रैप अप करना है, मैं एक बात जरूर कहूंगी कि स्कूल टाइम में भी जब हम वो गान गाया करते थे अपना सारे जहां से अच्छा, तो उसमें जो एक लाइन आया करती थी कि हिंदी है हम, तो वो बोलने में हम बड़ा गर्व महसूस किया करते थे उस वक्त। तो मैं चाहूंगी कि आज के जो बच्चे हैं ना, यंगस्टर्स हैं, वो आज इस चीज को समझें कि हिंदी बोलने में आपको क्यों गर्व महसूस करना चाहिए, हिंदुस्तान से हिंदी 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 है हम, तो ये एक मान सम्मान की बात है, समझने की जरूरत है। हमारे मुक्ति आंदोलन की एक संपर्क भाषा है, मुक्ति आंदोलन की एक पहचान, बिल्कुल मुक्ति हमें अंग्रेजों से मिली है, इसलिए अगर हम मुक्त महसूस करते हैं तो हिंदी हमारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजवंती जी, आज आपके विचार सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सो इसी के साथ इजाजत लेंगे, आई होप आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। फिलहाल नमस्कार, बाकी प्रोग्राम्स के लिए जुड़े रहिएगा जस हिंदी के साथ।